वेरी गुड। नाम क्या है? ओके। परीक्षा से डर नहीं लगता? ऐसा लग रहा है। नाम का डर लगता है? मैं तो लगता है। बाय बाय बेटा, बाय बाय। झुंझुनू के लाल अपने पैतृक गांव पहुंच चुके हैं और इस वक्त आप लोग लाइव तस्वीरें देख रहे हैं किठाणा गांव से। आप देख रहे हैं शिवनगरी टाइम्स, मैं पंकज कैमरामैन दीपक भाटी के साथ। दोस्तों यहां पर झुंझुनू के लाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं। महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करेंगे महिलाओं से भी। माता जी एक मिनट, तो आज ये आपके गाँव के लाल, क्या झुंझुनू के लाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो क्या कुछ देखने के लिए आए हो आप? मैं तो बहुत बड़ा खुशी हुई है। मैं तो खुश हूँ, मारो काम है को नहीं। अरे भाई ये बटा के बनाई मारा है, जेठ लग रहे हैं कि ये अन्न देखना आया। नाम क्यों नहीं आवे? नाम मना कर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। पूरी खुशी है गांव के अंदर, बहुत खुशी। हम बहुत खुश हैं, बहुत जोरदार खुश हैं। मैं तो बहुत खुश हुआ, मैं तो उस दिन बहुत नाची थी, उन दिन बने आना राष्ट्रपति बने आना पूरे ग्रामीण यहाँ पर जो है मौजूद है, और ग्रामीणों में महिलाओं में खास तौर पर जो काफी उत्साह का माहौल है। मेरे चाचा को सगी भाई बेटो है और भाई लग है और बने, खूब खुशी हुई और खूब हुए हुए। कितनी उम्र का होगा? माँ होगी 65 साल की। देवी मिला गया उनसे पहले? हाँ मिलन, मेरे काका खुद घर मरी होली, भीतर घर रही हमारा, एली देखी होगी। तू को ना है बालडा को ना मैं चढ़ाओ, चढ़ाओ ठीक से। तो देखिए दोस्तों, वाकई में जो महिलाओं में जो है इस गाँव की, वाकई में एक अजब ही और गजब ही खुशी का माहौल है। और पूरे ग्रामीण यहाँ पर, दूर दराज से लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और मैं कहूँ तो कि कांग्रेस क्या, बीजेपी क्या, सभी पार्टी के नेता यहाँ पर उनका वेलकम करने के लिए यहाँ पर पहुँचे, स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और भी लोग मौजूद है अपने साथ, उनसे ही बातचीत करेंगे। जे जगदीप धनखड़ पूरा पूछा है गाँव में आपके, क्या ओके माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पूरी व्यवस्था है, पुलिस की, थाना की, सरकार की। उनसे ना कौन मिला? कौन मिला? पहले मिला अपने गवर्नर बना जद मिला, जद मिला, जद मिला। तो तारीख कितनी उम्र होगी? मेरी 350 साल होगी। तो उनके सागर रेड़ा हो दे, तो सागर कौन जी रेड़ा बस मैं मेरे में बड़ा मैं आज दर्शन करया, आज भी दर्शन रही आयो। कहे हो के स्वभाव उनको? अच्छे स्वभाव है, अच्छे है, अच्छे स्वभाव के रहा। और भगवान दे हूं गांव को नाम को, जिला को, राजस्थान को कोने भारत कर दियो। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम करे। के बने हन मेरे के उपराष्ट्रपति बन गया, उपराष्ट्रपति बन गया। तो गांव में आज खूब मेड़ों से लाग रहे हैं। शो करो, इतनी जनता का मेड़ों को देखा मार जोड़ी मेड़ों में। लोहल के मेड़ों को कल परसों को इतनी भीड़ ही। तो गांव में सबसे पहले पूछता है जोड़िया का, बालाजी मंदिर में गया है? हां बालाजी बात सही बुलाऊंगा, ठाकुर जी के मंदिर में होगा। यो मंदिर उन्होंने बनाया, ये भी मंदिर भी बनाए होगे, मतलब मरम्मत करवाई, 4 करोड़ लगाया। मंदिर गाँव खूब ग्रेड है उनका, गाँव में भी ग्रेड है। तो गाँव करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। गाँव का लोग चाव है, खूब चाव है। 15 लाख रुपया हुआ यहाँ पे देखो हमारी गौशाला पर, घर से आया कोई बना 4-5 पहले ये उठे डाणी, जब 15 लाख रुपए देगा गौशाला का नाम हो गांव पर चाव था। तो आज तो बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल, बहुत बढ़िया माहौल है। फिर सरकार की व्यवस्था इतनी बढ़िया अच्छी है, बढ़िया व्यवस्था है, इतनी पूरी सारी। कहा ने बताओ 22 गाड़ी में तो आयुत को ना आई भी आयो, 22 तो छोटी गाड़ी, 2 बस ही पुलिस की, देखो कितना खड़े। बिल्कुल जनता बत्ती ही। बहुत अच्छा महसूस हुआ सर, इस देश के उपराष्ट्रपति जो इस विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी रह चुके हैं, उनके कर कमलों से हमारे भवन का शिलान्यास हुआ है, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। ये विद्यालय के लिए गौरव का पल है, ऐतिहासिक अध्याय है कि विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी जो आज इस पद पे हैं, उन्होंने अपने कर कमलों से विद्यालय के नवीन भवन का शिलान्यास किया। आपने देखा किस तरह से वो बच्चों से प्रेम करते हैं, सब बच्चों से मिलते हुए गए, सभी स्टाफ साथियों से उन्होंने मुलाकात की। हम सभी अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमारी कर्मस्थली किठाना है। आपने कुछ क्या चर्चा की उनसे?
हमने विद्यालय विकास के बारे में चर्चा की, बेटियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने से संबंधित विकास के मुद्दों पर उनसे चर्चा की। उनकी तरफ से हमें हमेशा आश्वासन मिला है और वो आश्वासन हमेशा पूर्ण हुआ है और हमें उम्मीद है आगे भी उनके द्वारा दिया गया जो आश्वासन है वो पूरा होगा। जी नहीं, जब से मैंने राजनीति में प्रवेश किया है मैंने किठाना के हर व्यक्ति को एक ही चश्मे से देखा है, कभी ये नहीं देखा कौन राजनीति में क्या करता है। राजनीति मेरे से कोसों दूर है। किठाना के मामले में मेरा एक ही संकल्प है कि गांव का विकास हो। मेरा एक ही संकल्प है कि मैं सहायक बन पाऊं कि हमारे बालक बालिकाएं सही पढ़ाई करें। और ये मैं आपको कहकर जा रहा हूं, गांव के किसी भी बालक और बालिका को धन के अभाव में पढ़ाई बाधित नहीं होगी। किठाना गांव आदर्श गांव बने, बदलते भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने, ये मेरी परिकल्पना है। जो संभव तभी होगा जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा। यह विषय गांव का विकास, गांव के बच्चे बच्चियां आगे बढ़े, गांव के नवयुवक प्रशिक्षित रहें, जो खेती कर रहे हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, ये मेरी कामना है। इन सब बातों को गैर राजनीतिक चश्मे से देखकर हमको जमीन पर उतारना है। दो समस्याएं मैंने राज्यपाल और उपराष्ट्रपति हम बैठते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से उसके शीशे नीचे नहीं होते। आम गाड़ी के शीशे नीचे हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बाहर से हाथ हिला सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, इनका शीशा नीचे नहीं होता है। ये मेरी मजबूरी है। और दूसरा, कई बार मैंने देखा है खासतौर से उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण पश्चात करने के पश्चात लोग दूर से चलकर वहां पहुंच जाते हैं और उनको संकट होता है कि आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। स्वाभाविक है। मेरा अनुरोध है कभी भी आइए, कितनी भी संख्या में आइए, बहुत अच्छा रहेगा थोड़ी सूचना पहले हो तो। सूचना के अभाव में मुझे भी कई बार पीड़ा होती है, पर कुछ व्यवस्था खास तौर से सुरक्षा से जुड़ी हुई है उसमें मुझे भी सहयोग करना चाहिए। मैं मानकर चलता हूं कि दिल से जो मेरा लगाव किठाना से है, जो गहराई का लगाव है, और मेरी जो यात्रा अब तक रही है उसका आधार रहा है शिक्षा। आप मेरी इस अंतिम बात को गंभीरता से लीजिए। मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा कोई भी बालक और बालिका किसी भी स्थिति में पैसे की वजह से आगे बढ़ने से ना।